दूसरी बार हिप्पोस को पीछे हटना पड़ा और अब स्कोर बराबर हो गया है। ये लाश की ओर बढ़ी। लेकिन तब तक काफी। इम्पाला को इसके आने का पता नहीं चला। आखिरकार इसने शिकार कर लिया, लेकिन इसके बच्चे नदी के दूसरे तट पर हैं और ये किसी और के शिकार के इलाके में घुसपैठ कर रही है। इस इलाके पर राज करने वाले दो नर इस पर नजर रख। ये एक दूसरे की अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन शायद ये एक दूसरे को जताना चाहते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है। हिप्पो अपनी जगह पर टिककर शेरनी को हमले के लिए चुनौती दे रहा है। शायद ये हिप्पो के लिए एक छूट, लेकिन इम्पाला सतर्क हैं और जानते हैं कि शेर यहां मौजूद हैं। हिप्पोस को भी शेरों की मौजूदगी की आदत पड़ती जा रही है। शायद जिज्ञासा इस कम उम्र के हिप्पो को शेरों के झुंड के पास खींच लाई है। शायद इसने अब तक उनसे डरना नहीं सीखा है। इसकी अज्ञानता जानलेवा साबित हो सकती है। शेरनी ने इस छोटे हिप्पो को ऐसा सबक सिखा दिया है जो पंजों से बने जख्मों के भरने के बाद भी इसे याद रहेगा। कई हिप्पोस के शरीर पर लड़ाइयों के जबरदस्त निशान मौजूद हैं। लुवांगवा नदी बहती रहती है और किसी तरह हिप्पोस को अपना पेट भरने लायक खाना मिल रहा है। बैचलर नर एक बार फिर इस इलाके पर दबदबा रखने वाले नर को चुनौती दे रहे हैं। विशालकाय बीच मास्टर अपना दबदबा दिखा रहा है। अपने गोबर को फैलाने का अर्थ है मैं यहाँ का बॉस हूँ। जबड़ों को तेजी से चलाने का अर्थ है मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों में जिज्ञासा है और वो लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी इससे ज्यादा ताकतवर है। दोनों में लगभग एक घंटे तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार यहाँ पहले से मौजूद नर की जीत हो गई। लेकिन एक बच्चा इनकी लड़ाई की चपेट में आ गया। माँ अपने बच्चे को लड़ते हुए दो विशाल नरों से बचा नहीं पाई। अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों को होता है। इस बार सिर्फ शेरों की जीत हुई।
शेरनियों से बचना मुश्किल है। झुंड के बाकी सदस्य भी दावत में शामिल हो गए हैं। किसी ने भी गौर नहीं किया कि दो शावक लापता हैं। एक छोटे से शेर ने एक बड़े हिप्पो को खदेड़ दिया। यह अनोखी जीत है। शेर वाकई सही मौतें हुई। सबके इलाके आपस में मिलने से संघर्ष शुरू हुए और लगातार तेज होते गए। जंग के जख्मों से बदल चुके जानवर अब अपने अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। पास में ही लायंस का एक झुंड भी था। उनमें से एक लायनेस हिप्पो के ऊपर चढ़ी थी और उसके पेट का नरम मीट खाने की कोशिश कर रही थी। कमाल की बात ये थी कि वो हिप्पो उस पोजीशन में पहुंचा कैसे, आखिर वो मरा कैसे। जब वो पेट का नरम हिस्सा खाने की फिराक में थी, अचानक उसकी बॉडी काफी फूल भी गई थी। अंदर के ऑर्गन्स फटकर बाहर निकले और लायनेस घबरा गई। मौजूद को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि माँ क्या कर रही है। उन्हें लगा शायद बढ़िया सा खाना मिलेगा, कर भागी। पूरा पेट बाहर निकल